अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी तीसरी वीडियो है थर्ड क्लास है HTML और CSS सीखने की। इस वीडियो में, इस क्लास में हम दो पॉइंट्स जो है डिस्कस करेंगे। नंबर वन पर हम देखेंगे व्हाट इज CSS मीडिया क्यूरीज एंड हाउ इट वर्क्स। CSS में जो मीडिया क्यूरीज होती हैं वो क्या होती हैं और वो कैसे काम करती हैं, मीडिया क्यूरीज को यूज करते हुए डिव पर जो लेआउट होता है उसे रेस्पॉन्सिव कैसे बनाया जाता है, इन शॉर्ट CSS मीडिया क्यूरीज क्या हैं इसे हम अच्छे से समझेंगे। ये रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस सिर्फ मीडिया क्यूरीज के लिए एक खसूसी वीडियो बनाना, जिसे हमने अपनी थर्ड क्लास में डिस्कस किया है, बहुत ही जरूरी था। तो दूसरे पॉइंट पर हम विल कन्वर्ट अवर डिव लेआउट इन रेस्पॉन्सिव लेआउट। पिछली दो वीडियोस में हमने जो HTML और CSS सीखी है उस पर हमने एक HTML पर डिव पर एक लेआउट डिजाइन किया है और किया था, उस लेआउट को इस वीडियो में हम रेस्पॉन्सिव लेआउट में कन्वर्ट करेंगे। तो वो दोस्त जो मेरी इस वीडियो पर नए हैं वो देख सकते हैं कि हमने अभी पिछली वीडियोस में क्या क्या सीख चुके हैं हम। ये दो हमारी, ये हमारा मेन फोल्डर है और ये दो अभी तक की हमारी फाइल्स हैं। ये हमारी HTML की फाइल है, इसे हम ब्राउजर पे रन करते हैं। तो दोस्तों ये रिस्पॉन्सिव अभी लेआउट नहीं है, अभी तक हम ये डिव पर हमने ये लेआउट बनाया था वेबसाइट का, सिर्फ इसे हमने डिजाइन किया था। HTML और CSS की बेसिक हमने सीखी थी। तो आप देख सकते हैं कि ये एक डिव हमने यहाँ ये बनाई थी, एक बॉक्स यहाँ बनाया था, ये लोगो के लिए था और राइट साइड पर एक था ये मेन्यू के लिए था, फिर एक स्लाइड शो का हमने बॉक्स बनाया था और फिर नीचे हमने फोर बॉक्सेस बनाए थे। तो ये डिव हमने सीखी थी, CSS के जरिए हमने ये लेआउट बनाया था। अब इस लेआउट को हम रिस्पॉन्सिव करेंगे। अभी मैं अपने ब्राउजर को छोटा करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं जितना भी छोटा कर लेता हूँ तो इसके डिजाइन में कुछ चेंजेस नहीं आ रही। तो स्मॉल डिवाइसेस में इतना स्पेस नहीं होता, इतनी जो विड्थ है इतनी नहीं होती। तो जैसे अब ये स्लाइड जो है ये तो ठीक है, ये लार्ज स्क्रीन में भी इसका फुल साइज है और जो मीडियम या स्मॉल स्क्रीन में भी इसका यही साइज रहेगा। लेकिन लोगो और मेन्यू, इसमें चेंजेस हम कर सकते हैं कि लोगो को हम टॉप पर ले जाएं और मेन्यू नीचे आ जाए, या ये लेफ्ट राइट भी मेन्यू ये चलता है ऐसा। लेकिन ये जो फोर बॉक्सेस हैं इनका रिस्पॉन्सिव होना बहुत जरूरी है, स्मॉल स्क्रीन में अलग और मीडियम स्क्रीन में अलग। ये लार्ज स्क्रीन में फोर बॉक्सेस ठीक हैं। अब हम जैसे ये यहाँ कह लें कि ये मीडियम स्क्रीन हो गई, यहाँ पर इन बॉक्सेस को टू बॉक्सेस इन अ रो आने चाहिए थे लेकिन अभी भी इसमें फोर आ रहे हैं क्योंकि ये अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम मीडियम स्क्रीन पर ये जो बॉक्सेस हैं, ये जो चार बॉक्सेस हैं मीडियम स्क्रीन पर, ये टू बॉक्सेस आएंगे और जब हम मजीद इसको छोटा करेंगे, जब हम स्मॉल स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस पर आएंगे तो ये जो बॉक्सेस हैं ये दो, या हम इसे एक भी कर सकते हैं कि फिर एक एक के नीचे एक आए। तो इस तरीके से अभी हम इस वीडियो में CSS की मीडिया क्यूरीज को समझेंगे और एक डिव के लेआउट को रेस्पॉन्सिव लेआउट में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम अपनी CSS फाइल भी खोलते हैं। ये एडिटर में हमने CSS फाइल खोल ली, अभी HTML फाइल भी हमने अपने एडिटर में खोल ली। तो ये हमारी HTML की फाइल है जो अभी हम काम जहां तक कर चुके हैं, ये सारे HTML के टैग्स, HTML हेड, हमने अपनी CSS फाइल को भी यहाँ लिंक करवाया है और फिर ये हमारा हेडर है, हेडर के ये दो बॉक्स हैं, एक लोगो का और फिर एक मेन्यू का, फिर ये स्लाइड शो का, एक डिव में हमने आईडी दी है यहाँ पर CSS से, उसका बैकग्राउंड कलर सारा CSS से आ रहा है और फिर ये सर्विसेज के लिए हमने ये चार बॉक्सेस बनाए हैं, 1, 2, 3 और 4। ये हमारे ये बॉक्सेस हैं, चार बॉक्सेस, लेकिन अभी देखा है हमने कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है तो अब हम इन्हें रिस्पॉन्सिव करेंगे। रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक और मजीद CSS फाइल बनाएंगे। यहां पर हम आते हैं न्यू पे, ठीक है। अब यहां पर हम इस फाइल को रिस्पॉन्सिव, ये हमारी CSS की फाइल होगी, इस फाइल को हम सेव करेंगे रिस्पॉन्सिव डॉट CSS। तो इसके लिए हमें मीडिया क्यूरीज जो है वो हम लिख लेते हैं इसमें, @MediaScreen एंड तो दोस्तों ये अभी जो हमने लिखी है इस तरीके से CSS में मीडिया क्यूरीज जो है लिखी जाती हैं। अभी देखेंगे ये @media स्पेस स्क्रीन स्पेस एंड स्पेस और फिर राउंड ब्रैकेट्स में मिन डैश विद 400 पिक्सल जो है मैंने इसे दिया है, ठीक है। अब ये 400 पिक्सल्स का मतलब ये है
देखें ये मिन विद होती है, मिन विद मतलब कम से कम विद 400। तो इस ये आप देखेंगे ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इस मीडिया क्यूरीज के अंदर, यहां पर हम जितनी भी सीएसएस लिखेंगे इस मीडिया क्यूरी के अंदर, इसका मतलब ये है कि मिनिमम विद 400 होगी तो ये सीएसएस जो है काम करेगी। मतलब 400 से ज्यादा स्क्रीन का साइज होगा विद का तो ये सीएसएस काम नहीं करेगी। ये अभी हम इसे टेस्ट करते हैं, पहले हम अपनी सीएसएस फाइल को सेव करवाते हैं। इस फाइल का हम नाम रख देते हैं responsive.css। अब ये हम अपने HTML के पेज पर लिंक करवाते हैं, जिस तरीके से हमने ये फाइल अपनी CSS की लिंक करवाई है, अब हम अपनी responsive.css को भी हम लिंक करवा लेते हैं। responsive.css फाइल हम देख रहे हैं डिफरेंट बना रहे हैं, बिल्कुल एक अलग फाइल बना रहे हैं, क्योंकि इसमें काफी आगे जाके CSS इसकी भी अलग काफी ज्यादा हो जाती है, तो बेटर यही रहेगा कि आप भी responsive के लिए CSS की फाइल अलग बना लें, क्योंकि फिर जो responsive मोबाइल डिवाइसेज या मीडियम स्क्रीन टैबलेट वगैरह की जो भी CSS होगी उसके लिए आपको पता होगा कि responsive में अगर कुछ इशू फिक्स करना है फ्यूचर में या कुछ मजीद उसमें चेंजेस करनी है तो आप responsive.css की फाइल में एडिट वगैरह कर सकते हैं। इसमें बस एक चीज का ख्याल ये रखना है कि जैसे आपने देखा है कि पहले मैंने अपनी जो मेन हमारी CSS फाइल है वो लिंक करवाई है, उसके बाद responsive.css लिंक करवाई है, तो ये उसके बाद ही मैं हमारी मेन फाइल के बाद हमेशा responsive की CSS फाइल आपने डालनी है। और अगर आप अपनी मेन फाइल के अंदर ही मीडिया क्यूरीज वगैरह, जैसे ये हमारी मेन फाइल है style.css, इसके अंदर ही अगर आप responsive की मीडिया क्यूरीज वगैरह लगा रहे हैं तो आपने अपनी तमाम CSS के नीचे responsive CSS का काम करना है, क्योंकि ये लोड अगर हम ये जैसे ऊपर ये मैंने रिस्पॉन्सिव दे दी, अब देखें यहां पर भी एक अगर आईडी हो या सीएसएस की क्लास हो रिस्पॉन्सिव के लिए, तो उसके बाद ये वाली सीएसएस जो है लोड होगी तो इसमें जो क्लास और सीएसएस होंगी तो वो काम करेंगी, रिस्पॉन्सिव में सीएसएस वगैरह फिर काम नहीं करेंगी। तो इसलिए रिस्पॉन्सिव सीएसएस की जो डिफरेंट फाइल है हमारी वो हम अपनी मेन फाइल के बाद लिंक करवाएंगे। तो ये हमने लिंक करवा दी, अभी हम चेक कर लेते हैं इसको, हम अभी टेस्ट कर लेते हैं। जैसे बॉडी का अभी हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। अभी हम अपने पेज को चेक करते हैं, अभी देखेंगे कि ये रेड जो है हो चुका है। ठीक है, अभी हम इधर आते हैं रिस्पॉन्सिव हमारी, इसका मतलब है कि जो हमारी सीएसएस फाइल है वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है। अब देखें ये हमने लिखा है मिन विद, अगर हम इसे अभी मैक्स विद कर दें, पहले था ये मिन विद मिनिमम विद, अब हमने इसे किया है मैक्स डैश विद मैक्सिमम विद, तो अभी आप देखेंगे कि ये जो हमारा रेड कलर है वो अभी शो नहीं हो रहा। अब हम अपने ब्राउजर की जो विंडो है उसे अभी हम छोटा स्मॉल करते हैं, ये स्मॉल 400 अभी है, इसे हम 600 करते हैं। ये देखें अभी आप देखेंगे कि जब तक 600 हमने यहां पर आप देखेंगे कि हमने 600 जो है विद दी है अपनी मीडिया क्यूरी में, मीडिया स्क्रीन में हमने क्या दिया है मैक्स विद 600 पिक्सल्स, तो इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम विद 600 पिक्सल्स के ज्यादा से ज्यादा विद 600 है तो ये सीएसएस काम करेगी। ठीक है, अब ये अभी रेड है, इसका मतलब है कि ये 600 से नीचे है, इसकी जो विड है ब्राउजर की स्क्रीन की ये 600 से नीचे है तो हमारी responsive.css काम कर रही है। अभी हम अपनी स्क्रीन को बड़ा करते हैं, यहां पर देखें ये ब्रेक पॉइंट है 600 विद का जो हमने दी है, यहां पर ये 600 से नीचे विद होती है तो हमारी जो सीएसएस का बैकग्राउंड कलर रेड है वो काम कर रहा है, और जैसे ही 600 से ज्यादा विद होती है वो आप देखेंगे कि फिर हमारी responsive.css काम नहीं कर रही। तो ये मीडिया क्यूरीज ऐसे काम करती हैं, अभी हमारी मीडिया क्यूरीज में कुछ ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, मतलब जो हम साइज देना चाहें हम दे सकते हैं, लेकिन कुछ डिफॉल्ट स्टैंडर्ड जो है ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे जो टैबलेट की जो स्क्रीन होती है, टैबलेट की स्क्रीन में आप जैसे 700 पिक्सल्स भी आप ले सकते हैं, 780 पिक्सल्स भी आप ले सकते हैं, ये यूजुअली टैबलेट्स वगैरह की स्क्रीन के लिए, मीडियम स्क्रीन के लिए, यहां तक देखें यहां तक मतलब यहां से टैबलेट स्टार्ट हो गया है तो फिर हमारी responsive.css काम कर रही है। अभी हम देखते हैं इसी मीडिया क्यूरीज को, यहां ये जो हमने अभी मीडिया क्यूरी लिखी है
इसे हम पूरे को अभी कॉपी करते हैं और यहाँ नीचे इसे हम पेस्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि ये 780 है, इसे हम 580 करते हैं और इसे अभी हम कर देते हैं ऑरेंज। तो दोस्तों ये देखेंगे कि ये अभी ऑरेंज है क्योंकि ये अभी 580 जो विद है उससे कम जो है इसकी अभी विद है। लेकिन अभी आप देखेंगे इसे मैं बड़ा करता हूं तो यहां देखेंगे कि ये रेड हो चुका है। तो इस तरीके से डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स आप सीएसएस में मीडिया क्यूरीज के जरिए यूज कर सकते हैं। जैसे ये हमारी लार्ज स्क्रीन है, लार्ज स्क्रीन में जो हमारी मेन फाइल है स्टाइल डॉट सीएसएस प्रॉपर सिर्फ वही है, लेकिन जहां पर हमने अपने मोबाइल या टेबलेट का ब्रेक पॉइंट दिया है ये देखें यहां पर, फिर मैंने ये टेबलेट का ब्रेक पॉइंट आया है। यहां पर हमने 780 पिक्सल्स दिया है टेबलेट के लिए मीडियम स्क्रीन के लिए, तो यहां पर आप देखेंगे कि बैकग्राउंड रेड है। लेकिन फिर जब हमारी सेकंड जो है मीडिया क्यूरी जब हमारी काम करती है तो बैकग्राउंड ऑरेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि मजीद हमारी जो सेकंड मीडिया क्यूरी है वो वहां तक रीच कर चुकी है विद। तो ये हमने 480 होता है, जैसे 480 मोबाइल के लिए जो है 480 होता है कि मोबाइल में अगर आपने किसी डिव की विड्थ को या बैकग्राउंड को फॉन्ट साइजेस को चेंज करना है तो आप 480 पिक्सल्स जो है यूज कर सकते हैं। अभी 480 अभी इसलिए हमारे ब्राउजर में काम नहीं कर रही क्योंकि हमारे जो ब्राउजर की जो स्क्रीन है वो 480 से अभी नीचे नहीं हो रही, उसे मजीद हम छोटा नहीं कर सकते, तो इसलिए अभी हम प्रैक्टिस के लिए इसे 580 ही रखते हैं। तो ये हमने दो मीडिया क्यूरीज बना ली हैं, ये एक टेबलेट के लिए है और ये मोबाइल के लिए, और ये लार्ज स्क्रीन में अब ये है। अब हमने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारे चार बॉक्स हैं इसे हम मीडिया क्यूरीज के जरिए रिस्पॉन्सिव लेआउट इसको हम बनाते हैं। ये हम अपनी सबसे पहले HTML की फाइल में आते हैं और यहां पर हमारे ये चार बॉक्सेज हैं, ये 1, 2, 3, 4 ये हमारे चार बॉक्सेज हैं। तो इनको आप देखेंगे कि ये सर्विसेज बॉक्सेज हैं यहाँ पर, और इसे हम कॉपी करते हैं और अपनी मेन फाइल में इसे हम सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है हमारी सर्विसेज की जो डिव है ये है। इसकी आप विड देखेंगे ये 25% इसकी विड है, मतलब 25% 25% फॉर मल्टीप्लाई बाय 4 तो वो 100% हो रहे हैं, इसीलिए एक लाइन में ये 4 बॉक्सेज आ रहे हैं। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, हमने इस क्लास को रिस्पॉन्सिव डॉट सी एस एस में विद जो है हमने इसकी डिफरेंट देनी है। तो इसे हम यहां से कॉपी करते हैं और रिस्पॉन्सिव डॉट सी एस एस में ये हमारे टेबलेट के लिए है, तो यहां पर अभी हम इसे यहां पर हम लेते हैं इसे टेबलेट के लिए। और बाकी तो हमें सिर्फ अभी इसकी विड्थ चेंज करनी है, कोई हमें बैकग्राउंड कलर या हाइट वगैरह भी कुछ चेंज नहीं करनी। तो इसमें हमने सिर्फ रिस्पॉन्सिव में आप देखेंगे रिस्पॉन्सिव में मैंने सिर्फ 25% जो इसकी विड्थ है सिर्फ वो रखी है, बाकी चीजें मैंने इसकी रिमूव की हैं क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो हमें ये यही यूज होंगी। टेक्स्ट अलाइन सेंटर इसी सीएसएस से काम करेगा, बैकग्राउंड इसी सीएसएस से काम करेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिव में मतलब 780 पिक्सल से अगर नीचे जो है उसकी विड्थ होगी मीडिया स्क्रीन का साइज होगा तो ये इसकी डिफरेंट विड्थ होता है। तो इसे हम कर देते हैं 50 पिक्सल्स। अभी हम चेक करते हैं हमारे लेआउट को, अभी हम इसे छोटा करते हैं और ये देखेंगे कि ये अब काम कर रहा है। ये है हमारा लार्ज स्क्रीन अभी तक है, यहां पर हमारा ब्रेक पॉइंट जो है यहां पर हमारा ब्रेक पॉइंट काम कर रहा है। ये देखें यहां पर ये 4 बॉक्सेस हैं अभी डिव के हमारे लेआउट के, लेकिन जैसे ही हमारी रिस्पॉन्सिव डॉट सी एस एस काम करेगी तो वो 50% उसकी विद हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ये 50% विद हुई तो 50 × 2 हो जाता है, तो फिर एक लाइन में हमारे 2 बॉक्सेज आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हम अब एक और चेक करते हैं, यहां पर हम मोबाइल डिवाइसेस के लिए, यहां पर आप देखेंगे कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए इसे हम 100% जो है इसकी विड्थ करते हैं और अब देखते हैं कि क्या होता है। ये देखेंगे लार्ज स्क्रीन है, यहां पर बॉक्सेस जो हैं 4 बॉक्सेस हैं और इसे अभी हम छोटा करते हैं। ये देखें ये 2 बॉक्सेस होगा, ये 4 बॉक्सेस हैं, यहां पर 2 बॉक्सेस होगा, ये देखें ठीक है 50% विद है इसकी। और जब हम मजीद इसे छोटा करते हैं तो ये देखेंगे ये एक के नीचे एक आ गए, ये देखेंगे कि ये फर्स्ट ये 4 बॉक्सेस एक के नीचे एक आ गए, मतलब जो हमारी अब सेकंड जो हमारी ये है जिसकी विद हमने 100% दी है, अब ये वाली सीएसएस जो है स्मॉल स्क्रीन में ये सीएसएस काम कर रही है।
तो दोस्तों इस तरीके से जो है मीडिया क्यूरीज काम करती हैं, और आप डिफरेंट इसमें काफी चीजें आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे अब मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड कलर भी इसका चेंज हो। अब ये देखेंगे कि रेस्पॉन्सिव में मैंने बैकग्राउंड कलर रेड दिया है, तो अब आप देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो चुका है रेस्पॉन्सिव में। ये मीडियम स्क्रीन में भी रेड नहीं होगा, लार्ज स्क्रीन में भी रेड नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको स्मॉल करेंगे, जिस मीडिया क्यूरी पे, जिस डायमेंशन पे आपने उसे दिया है, वो डिफरेंट बैकग्राउंड सीएसएस वगैरह आप यूज कर सकते हैं। तो इसे बस ओवरव्यू कर लेते हैं। देखें, ये मीडिया क्यूरीज ऐसे लिखी जाती है, @ मीडिया स्पेस स्क्रीन स्पेस एंड स्पेस, और ब्रैकेट्स के अंदर फिर मैक्स डैश विड, ठीक है, और फिर आप उसको पिक्सल्स में जो है आप उसको डायमेंशन देते हैं, ब्रेक पॉइंट कहते हैं इसे, ब्रेक पॉइंट देते हैं। आप मजीद ब्रेक पॉइंट्स जो बेस्ट टैबलेट्स के, मोबाइल के, डिफरेंट डिवाइसेस के ब्रेक पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, आप गूगल पर सीएसएस ब्रेक पॉइंट्स लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो डिफरेंट आप जो है ज्यादातर जो है ये दो पर अगर आप काम करेंगे, एक लार्ज स्क्रीन के लिए तो हमारी नॉर्मल सीएसएस होती है, और फिर टैबलेट वगैरह के लिए, मीडियम स्क्रीन के लिए आप जो है 780 पिक्सल्स आप यूज कर सकते हैं, और फिर मोबाइल के लिए आप 480 पिक्सल्स आप यूज कर सकते हैं। बाकी आप गूगल करेंगे तो आपको मजीद मीडिया क्यूरीज के जो ब्रेक पॉइंट्स है उसकी अच्छी मालूमात आप वहां से ले सकते हैं। तो ये मीडिया क्यूरी आप डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। बाजूका बहुत सी छोटी चीजों के लिए आपने डिफरेंट डिफरेंट जो है मीडिया क्यूरीज बनाना पड़ती हैं, कि अगर आप जैसे हमने यहां से 780 हमने ये लिया है। अब बाजूका क्या होता है कि ये जो हमारी लार्ज वेबसाइट है, और अभी जैसे ये यहां पर आप देखेंगे यहां पे हमारी जो सीएसएस है वो लार्ज वाली जो हमारी मेन सीएसएस है वही काम कर रही है, लेकिन आपकी जो वेबसाइट है अगर उसका डिजाइन कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, यहां पर मेन्यू नीचे आ चुके हैं या ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आपको फिर कुछ ऐसे ब्रेक पॉइंट्स भी यूज करने पड़ते हैं, खास सिर्फ एक दो चीजों के लिए, नेविगेशन के लिए, टेक्स्ट के लिए, इमेजेस के लिए। तो अपनी वेबसाइट को आप प्रॉपर इस तरीके से रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मीडिया क्यूरीज, क्योंकि अब आगे जो हम अपनी ये जो हमारा लेआउट है इसे अब हम कंप्लीट एक वेबसाइट जो है डिजाइन करेंगे, तो हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ही डिजाइन करेंगे। इसके लिए बहुत जरूरी था कि हम मीडिया क्यूरीज को समझ लें, और ताकि हम आगे इसे मजीद यूज करें तो इसकी मजीद प्रैक्टिस होती रहे। तो दोस्तों बहुत जल्द अब हमारी फोर्थ क्लास में मुलाकात होगी, जिसमें हम अपने इस लेआउट को एक वेबसाइट की शक्ल देंगे और रेस्पॉन्सिव लेआउट हम बनाएंगे। तो जो दोस्त मेरी इस वीडियो पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को बआसानी मिल सकें। तो दोस्तों डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स डू इट।